आज का वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए फेस ब्राइटनिंग एंड फेस टाइटनिंग कौन का फेस पैक लेके आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना कैसे है। इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कांच का बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने सात चार छोटे छोटे कपिवा गोंद के टुकड़े डाल लिए है और फिर उसे भिगोने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया हुआ है। अब मैं उसे पूरी रात ढक के रख दूंगी और आप सुबह में देख सकते हो कि हमारा गोंद कितना सुंदर लग रहा है और थोड़ा ये जेली टाइप हो गया है। वाव, बहुत मस्त लग रहा है। कितना सुंदर ये गोंद लग रहा है उतना ही फायदेमंद है हमारे चेहरे के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना। और एक बात, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम इसके अंदर 3/4 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर यानी चने का आटा ऐड करेंगे, एक छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अब हम इस पैक को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे गोंद लिया हुआ है, वो हमारे चेहरे को ब्राइटन अप करेगा, साथ में ग्लोइंग स्किन भी देगा और स्किन को टाइटन अप भी करेगा। और चने का आटा तो हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है ये तो आपको पता ही है। और जो मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है वो हमारे चेहरे को पर से जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना कैसे है। इसे आपको अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए लगा लेना है और फिर करीबन 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे पर आपको छोड़ देना है। आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप ये फेस पैक लगाए तब आप आराम करें ताकि आपकी स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए और आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। और तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट